आप हमेशा आगरे का पेठा तो खाते होंगे और वो बहुत स्वादिष्ट भी होता है, मगर वो पेठा बनता कैसे है, क्या क्या इस्तेमाल होता है, किस तरीके से उसको फिल्टर किया जाता है, कैसे धोया जाता है, कैसे काटा जाता है, कैसे वॉइश किया जाता है, कैसे उसको उबाला जाता है, क्या प्रक्रिया है पेठे की, और ये पेठा जब लोगों को परोसा जाता है तो उसका जो स्वाद है वो किस तरीके का होता है। आज हम पेठे को लेकर जो है आज आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि पेठा बनता कैसे है। हम समय पेठे के कारखाने में है, आप देख सकते हैं ये चाशनी है, चाशनी का कड़ाव है, यहाँ पर शक्कर को जो है घोल कर उबाला जाता है, चाशनी जो है चाशनी गर्म करके यहाँ पर जो है इसको उबालते उबालते जो पेठा है सब्जी पेठा उसको इसके अंदर डाला जाता है, क्योंकि पेठा जो है किसान उगाते हैं। आप इस समय देख रहे हैं ये जो है चाशनी है, चाशनी को जो है उबाला जा रहा है और इसी चाशनी में पेठे को डाला जाएगा। और आप इधर आ जाइए, मैं आपको एक किलो भी दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से चाशनी जो पेठा है उसकी काटने की प्रक्रिया यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं ये किसान जो किसान बोते हैं अपनी ज़मीन में वो पेठा पहले तो उसको काटा जा रहा है, छीला जा रहा है, उसके बाद इस बड़े से कड़ाव में इसको डाला जा रहा है। यहाँ से इसको कई तरीके से इसको वॉश किया जाएगा, वॉश के वो कई तरीके के फर्मे हैं वहाँ पर, उसको वॉश करने के बाद इसको जो है चाशनी में डाला जाएगा। यहाँ पर कारीगर भी कई हैं, कई बड़ी टीम काम करती है। जिस तरीके से पेठा जो है मशहूर है आगरे का, मगर अब ये इसकी शाखाएँ अब उत्तराखंड यूपी सब जगह है। मैं इस समय उत्तराखंड में हूँ, मेरे साथ इस समय आगरा जो कारखाने हैं, कारखाने के जो स्वामी हैं वो मेरे साथ मौजूद है। किस तरीके से ये पेठा बनाते हैं, कहाँ कहाँ जाता है आपका, क्या विधि है इसकी? जैसे तो ये यहाँ के आस पास के क्षेत्रों में जैसे हल्द्वानी है, रुद्रपुर में, और जो ठेले वाले जो हैं हमसे ये ले जाते हैं और इसका इन्हीं लोगों में निकाला होता है, जैसे यही लोग बेचते हैं, यही हमसे ले जाते हैं। इसका ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कम मार्जिन होता है, इसमें कम लागत में बहुत छोटा सा काम होता है। अच्छा, बनता किसी इसकी बनाने की विधि ऐसी है कि इसे हम जैसे समझ लीजिए कि एक फल होता है, ये उस फल को काटा जाता है, उसको छीला जाता है, प्लस उसको जैसे बॉयल किया जाता है, उसको बॉयल करने के बाद उस चाकू होता है। अच्छा, उसको पैक करते हैं हम, पैकिंग तो जैसे डिमांड के ऊपर है, जैसे कोई कस्टमर कहता है कि हमें 700 अच्छी पेठा चाहिए तो उसके लिए हम 700 अलग से तैयार करके बनाते हैं। कई वैरायटी भी होती है, वैरायटी अलग अलग वैरायटी रेट के हिसाब, हाँ रेट के हिसाब से ही। अभी इस समय रेट क्या है? 60 से 65 रुपये जी। मतलब और इसमें क्या खासियत है? एक लाल कलर तरीके की पैठे जो नहीं, कलर का हम नहीं करते, क्योंकि कलर हम नहीं डालते हैं, उसमें नुकसान होता है, हमसे बहुत नुकसान होता है, हमको नेचुरल वाइट ही इस्तेमाल करते। फिलहाल देखा आपने, ये हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि पेठे को किस तरीके से बनाया जाता है, मार्केट में भी जाता है। पहले तो आगरे में मशहूर था पेठा, मगर अब यूपी उत्तरांचल में भी पेठा बनाया जा रहा है, उसकी विधि भी है। पेठा लोगों की थाली तक जाता है, खाते हैं, कई जगह इसको पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है पेठा, क्योंकि किसान है, किसान जो है अपनी खेती कर फल और चीनी यहाँ तक जो है पहुँचाता है, इसके बाद यहाँ से पेठा जो है पैक करके दुकानों तक और जो ठेले स्वामी हैं उन तक जाता है, वहाँ बिकता है। फिलहाल हमारी पेशकश में आपको हम यहीं रोकते हैं, और क्योंकि जो पेठा है, पेठे की क्या प्रक्रिया है वो हमें बतानी थी। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV न्यूज़ उत्तराखंड।